हेलो गाइस, वेलकम टू पेडल पल्टन। गाइस, आज की वीडियो सही मायनों में बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ। जी हाँ, एक एक्सपेरिमेंट आपके मनपसंद कोका कोला के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके मनपसंद कोका कोला के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और आपको आज पता चलेगा कि आपका कोका कोला साइकिलिंग में किस तरह से मदद करती है। तो इस सस्पेंस को अभी ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट अभी। तो गाइस, गौर से देखिए इस साइकिल को, आपको कोई खराबी नजर नहीं आएगी, चमचमा रही है। लेकिन इफ वी हैव अ क्लोज लुक एट इट, तो इसकी चेन देखिए, मानो ये जंग लड़ गया हो। जी हाँ, जंग खा गई है इसकी चेन। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, स्टेप वन में हमने उस रस्टी चेन को बाइसिकल से बाहर निकाल लिया है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना रस्ट लगा हुआ है, कितना जंग खाया हुआ है इस चेन ने। तो अब क्या करेंगे, हम इसके साथ अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करेंगे और कंक्लूड करके आपको बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो चलिए स्टेप टू में, अब मैं एक एम्प्टी कंटेनर लूँगा और कोका कोला लूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि वो जो रस्टी चेन है, इसको मैं उस एम्प्टी कंटेनर में रख दूँगा, ठीक है, आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि इस कोक को ओपन करके मैं उस कंटेनर में रखूँगा। इस तरह से रखूँगा कि वो चेन पूरी तरह से ढक जाए, ठीक है। कोक की आधी बॉटल को देख के मत चौंकिए दोस्तों, ये एक हादसा हो गया है। मैंने कोक खरीद के लाई थी, मैंने फ्रिज में रखा और जब मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकालने गया तो उसमें बस आधी ही कोक बची हुई थी। तो इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप लगा लीजिए बस, और आप फोकस करें इस एक्सपेरिमेंट पर। तो देखिए, मैंने रख दिया है इसके अंदर। अब इसको मैं ओवरनाइट तकरीबन 24 आवर्स में इसको सोक करके ऐसे ही रखूँगा। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं दोस्तों कि ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपेरिमेंट है और कोका कोला ने मुझे नहीं कहा ऐसा एक्सपेरिमेंट करने को, तो आप इसका ध्यान रखें। चूँकि कोका कोला कार्बोनेटेड होता है, ये मेटल ऑक्साइड के साथ डिसॉल्व हो जाता है और वो मदद करता है रस्ट को ब्रेक करने में, ठीक है। इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश हम करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों। तो डे टू में पहुँच चुके हैं दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए। अब उस चेन को जो कि डूबा हुआ है कोक में, हम बाहर निकालेंगे। देखिए कितना सारा रस्ट ऑलरेडी गिर चुका है, वो डिसकलर हो गया है कोक हमारा, बहुत ही मैला सा हो गया है वो कोक। अब हम कपड़े का इस्तेमाल करके बाकी के रस्ट को क्लीन करेंगे। तो ये देखिए रस्टी पार्ट, फॉर एग्जांपल ये देखिए रस्ट आपको दिख रही है। अब हम कोशिश करते हैं कपड़े से इसको वाइप करने की। सरप्राइजिंगली बहुत ही आसानी से निकल चुका है रस्ट, और ये देखिए कितनी साफ लग रही है चेन। अब यही क्लीनिंग हम बाकी पूरे चेन के पार्ट में अप्लाई करते हैं दोस्तों। वो हो हो, कोका कोला ने अपना कमाल यहां भी दिखाया है। चेन की हालत तो देखिए, अब ये चेन से रह पाएगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन किया है, अपना काम बखूबी निभाया है, एक परफेक्ट क्लीनिंग एजेंट है ना। और एक्सेस शुगर का क्या, कोका कोला में शुगर है, इसका क्या करें। तो दोस्तों, शुगर का क्या कि इसको आपको दोबारा क्लीन करना पड़ेगा। कोका कोला से अगर आप किसी चीज़ को क्लीन करते हैं तो उसके बाद आपको जो एक्सेस शुगर जो होता है कोका कोला को उसके अंदर, उसको भी क्लीन करने की ज़रूरत है। तो मैं तो कपड़े से वाइप आउट कर दिया, आपको जब करना हो तो आप पानी से भी वॉश कर सकते हैं सेकेंड टाइम क्लीन होने के बाद। तो ये बहुत ही इफेक्टिव दोस्तों। और ये देखिए जो एक्सेस जंग बची हुई थी, ये देखिए मैं आपको कोक नीचे रख के आपको बता रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा जंग अपने आप उसमें डिज़ोल्व हुई थी, ये देखिए। तो ये परफेक्टली काम करता है दोस्तों, है ना। यही मैं एक्सपेरिमेंट में बताना चाहता था, होपफुली आपको मज़ा आया। तो दोस्तों, होपफुली इस एक्सपेरिमेंट में आपको बहुत मज़ा आया दोस्तों, और आपने देखा कि आपकी कोका कोला कितनी इफेक्टिव है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपकी कोका कोला इतनी इफेक्टिव होगी कि आपके साइकिलिंग में इतनी मदद करेगी। बेसिकली ना, कोका कोला में क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो डी रस्ट करता है चीज़ों को, रस्ट रिमूवल एजेंट है, ठीक है। हालांकि वो कमर्शियल क्वांटिटी में इसमें नहीं रहती है, कम क्वांटिटी में रहती है, इसलिए बहुत ही स्लो काम करता है। इसलिए मैंने इसको सोक करके रखा था, बट रिजल्ट आपके सामने है। मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी इस चेन की हालत क्या थी, और अब इसकी हालत क्या है, डी रस्ट प्रॉपरली हो चुकी है और कोका कोला ने अपना जलवा यहाँ भी दिखाया है दोस्तों।
तो आप मुझे बताएं, मैं जानना चाहूँगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना सहमत हैं आप इस एक्सपेरिमेंट से। और ये एक्सपेरिमेंट यहीं तक सीमित नहीं है, आप साइकिल के किसी भी पार्ट में जहाँ भी जंग लगी हो वहाँ पर आप इसको अप्लाई करके आप टेस्ट कर सकते हैं, और ये इफेक्टिव है, मैंने आपको करके दिखाया है। तो 20 रुपये का कोका कोला दोस्तों, 250 ml 20 रुपये का कोका कोला लगा मुझे ये करने में, तो 20 रुपये में आप ये कर सकते हैं। हालांकि अगर आप यही रिजल्ट अगर आप कहीं और पाना चाहें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लोग DIY अपने घर पे करते हैं, तो इससे ज़्यादा डेफिनेटली खर्च होगा। और आप ये भी चीज़ ध्यान रखें, एक चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ कि पहले तो आपके पास ये इतनी स्पेशलाइज्ड क्लीनिंग एजेंट्स पहले नहीं हुआ करती थी, तो पहले लोग अपना जुगाड़ करते थे। उसी जुगाड़ का एक हिस्सा मेरे दिमाग में आया, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, और ये एक्सपेरिमेंट मैं कहूँगा कि कारगर रही। और मैं अब डेफिनेटली आपसे सुनना चाहूँगा कि आपको क्या लगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, अपने व्यूज़ तुरंत कमेंट में साझा करिए और मुझे बताइए कि आप क्या ये करना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करके तो आप बताइएगा कैसी लगी आपकी वीडियो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप हिटिंग माइल्स विद स्माइल्स। जय हिंद।